यह जैमिन सूत्रम का 35वां भाग है और विचार चल रहा था पदस्थान का, वो भी लग्न पदस्थान का। किंतु पिछले भाग में जिस 17वें सूत्र को देखे थे, स्वांशवद अन्यत प्रायेण यह कहकर आचार्य जी अधिकांश बातों को अधस्वांशो ग्रहानाम इत्यादि क्रम से लेने की बात कर दिए, तो वहाँ यह बात स्पष्ट हो गया कि पुनरुक्ति करने वाले नहीं हैं आचार्य जी। अधिकांश ग्रहों के फलों को वहां से लेने की बात कर रहे हैं। तो अब अध पदम करके जो बात आया, पद से फलादेश करने की जो बात आई, यहां पर आत्मकारकांश से अतिरिक्त जो भी बात होंगे वही बताएंगे आचार्य जी। आचार्य के सूत्रों से यही समझ में आता है। तो इस भाग का प्रारंभ है 18वें सूत्र से। 18वां सूत्र है लाभ पदे केंद्रे त्रिकोणे वा श्रीमंतः। लाभ पदे केंद्रे त्रिकोणे वा श्रीमंतः। केंद्रे त्रिकोणे, केंद्र में अथवा त्रिकोण में, कहां से? पदस्थान से। पदस्थान के केंद्र में अथवा पदस्थान के त्रिकोण स्थान में क्या होने पर? लाभ पदे, लाभ पद होने पर, अर्थात लाभ यानी सप्तम, सप्तम का पद होने पर। जैसे हम लग्न का पद निकाल रहे हैं वैसे सप्तम का पद कहां से? यावद ईशाश्रयम् पदम वृक्षाणाम, इस सूत्र के आधार पर यहां पद का साधन होगा। तो सप्तम स्थान से जितने दूरी में है वहां से उतने ही दूर में जो राशि होगी वह हो गया लाभ पद। तो इस लाभ पद के रहने पर, यहाँ सप्तमे भक्ति, लाभ पद के कहाँ रहने पर? केंद्र स्थान में अथवा त्रिकोण स्थान में रहने पर। किससे केंद्र अथवा किससे त्रिकोण? तो चर्चा चल रही है लग्न पद का, अर्थात लग्न पद से केंद्र स्थान में अथवा त्रिकोण स्थान में लाभ पद हो, लाभ स्थान का जो पदस्थान है वह राशि स्थित हो, तो जातक श्रीमंत, वह श्रीमंत होगा, धनाढ्य होगा, धनवान होगा, श्रीयुत होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अन्यथा दुस्थे, अन्यथा दुस्थे, दुस्थे अर्थात दुष्ट स्थानों में स्थित होने पर, केंद्र में ना हो, त्रिकोण में ना हो, इनके अतिरिक्त जिनको दुष्ट स्थान का नाम मिला हुआ है यदि उनमें हो, कौन? लाभ पद। तब उस स्थिति में क्या होगा? अन्यथा, अन्यथा होगा अर्थात तो विपरीत होगा। फल क्या होगा? विपरीत होगा। विपरीत का मतलब श्रीमंत से जो विपरीत है अर्थात निर्धन योग, दरिद्र योग होगा, दरिद्र होगा वह जातक, अन्यथा दुस्थे। फिर आगे आचार्य कह रहे हैं केंद्र त्रिकोणोपचयेषु द्वयोर्मैत्री। केंद्र त्रिकोणोपचयेषु, केंद्र त्रिकोणोपचयेषु द्वयोर्मैत्री, दोनों में मैत्री होगी, दोनों के बीच में मित्रता होगी। तो किन दोनों के बीच में? उसके पहले इसको देख लेते हैं। केंद्र त्रिकोण उपचयेषु अर्थात लाभ पद लग्न पद से केंद्र स्थान में, त्रिकोण स्थान में अथवा उपचय स्थान में हो, तो उस स्थिति में दोनों में मैत्री हो गया। हाँ, दोनों कौन है? क्योंकि चर्चा चल रही है लाभ पद का अर्थात सप्तम स्थान का, तो सप्तम स्थान और लग्न से संबंध क्या रहता है? वह दो ही लोग होते हैं, ये हुआ कलत्र स्थान, और जातक और कलत्र के बीच में, दोनों के बीच में मित्रता होगी। किस स्थिति में होगी? यदि लाभ पद लग्न पद से केंद्र स्थान में हो, त्रिकोण स्थान में हो अथवा उपचय स्थान में हो, तो उस स्थिति में दोनों में मित्रता होगी। तो फिर अगला सूत्र कहने की बात जरूरत नहीं है, यहाँ अगली बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि इन स्थानों में लाभ पद नहीं है लग्न पद से तो दोनों में भिड़ंत होगी अर्थात दोनों में मैत्री नहीं होगी। और इससे आगे है रिपुरोग चिंतासु वैरम, फिर वही बात को कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य जी। तो इसके बाद क्या होगा? केंद्र त्रिकोणोपचयेषु में नहीं है तो कहां पर है?
रिपु रोग चिंतासु, रिपु रोग चिंतासु। यदि इन स्थानों में लाभ पद हो तब होगा वैरम, कलह होगा। रिपु रोग चिंतासु का अर्थ क्या हुआ? रिपु बारह, रोग अष्टम, चिंता छठा। जैसे पहले दुस्थे जो बताया है वही बात यहाँ आया है। रिपु रोग चिंतासु अर्थात बारहवें आठवें अथवा छठे स्थान में हो लग्न पद से लाभ पद, तब दोनों के बीच में क्या होगा? वैर होगा अर्थात कलह होगा। तो यह है जैमिनी सूत्रम के तृतीय पाद, प्रथमाध्याय के तृतीय पाद का यह 21वां सूत्र। फिर मिलते हैं अगले भाग में।